चैलेंजेस बहुत फेस किए। 6 महीने तक हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसको हम आगे लेके जाएंगे या नहीं, क्योंकि इनिशियली हमें काफ़ी लॉसेस हुए। उसके बाद 40 बेड लगाए, 40 से फिर वो बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास 250 बेड्स हैं। इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। लोग आगे खुद बताते हैं कि भाई उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। हाँ जी। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते समय हम ये सोचते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया और मुझे 1 महीने में 2 महीने में 6 महीने में प्रॉफिट आ जाए, तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है, जल्दी चाहत होती है आगे बढ़ने की। हम इस समय 30 टन के करीब मंथली निकाल लेते हैं, तो आराम से हम 2.5-3 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया। एक सबसे पहले इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए हमारे व्यूवर्स को। जी, मेरा नाम विदुषी है। मैं ग्रीन हाउस उद्योग, एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट चलाती हूँ, जो कि उल्देपुर विलेज में है, मेरठ बाईपास पे ये स्थित है। अच्छा मैम, इससे पहले आप क्या कर रहे थे वर्मी कंपोस्ट यूनिट को रन करने से पहले? जी, मैं पिछले 20 वर्षों से योग और ध्यान के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। योग सिखाती हूँ और साथ में लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि किस तरह से अपने आप को फिट रख सकें। 20 वर्षों से आप योगा सिखाती हैं, टीचर हैं? जी जी। तो एक योगा एक टीचर कैसे इस लाइन में आया, मतलब क्या आपको वर्मी कंपोस्ट में ऐसा लगा कि आपने इसका भी जी, जी. चुनाव करा? जी, पिछले जब कोरोना काल में, कोविड काल में, हमने ये देखा कि हम योग भी कर रहे हैं, हम ध्यान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कंप्लीट फिटनेस पे नहीं जा रहे हैं। तो मुझे एक ही रीज़न समझ में आया कि हमारा जो भोजन है वो पूरी तरह से कंटामिनेटेड हो चुका है, वो केमिकल युक्त है। तो कैसे हम उस केमिकल को अपने भोजन से, अपने किचन से, अपने सॉइल से दूर कर सकें, यही थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये काम शुरू किया। पिछले 10 वर्षों से कुछ ऐसे एनजीओस के साथ जुड़ी हुई हूँ जो एनवायरनमेंट के लिए विशेष काम कर रहे हैं, तो वहाँ से हमने ये सीखा कि अगर एनवायरनमेंट को ठीक करना है तो हमें मिट्टी को ठीक करना पड़ेगा सबसे पहले। तो मिट्टी में जो जीवाणु पल रहे हैं, जो माइक्रोब्स उसमें पल रहे हैं, उनको हमें ठीक करने का एक ही तरीका समझ में आया, वो है वर्मी कंपोस्ट। हम ऐसी खाद उनको दे दें, ऐसी खाद सॉइल के अंदर मिक्स कर दें जो पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स युक्त हो। कितना समय आपको हो गया इसको करते हुए? इसको हमें अभी 1 ही साल हुआ है जी। पिछले साल हमने मई में स्टार्ट किया था और लगभग 1.25 साल हमें ये हुआ है। 20 बेड से हमने ये स्टार्ट किया था, उस समय हमें कोई खास एक्सपीरियंस नहीं था। सपोर्ट और मोटिवेशन था कुछ ऐसी संस्थाओं का जो अगेन एनवायरनमेंट में काम करते आए हैं। तो 20 बेड से आपने शुरू किया, 250 बेड हैं जी। जी, तो सफ़र कैसा रहा मैम ये? और बहुत अच्छी आपने तरक्की करी है मैम। जी, सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, चैलेंजेस बहुत फेस किए। 6 महीने तक हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसको हम आगे लेके जाएंगे या नहीं, क्योंकि इनिशियली हमें काफ़ी लॉसेस हुए। बट हाँ, उसके बाद वो फिर से गाड़ी पटरी पर आ गई। हमने उसके बाद 40 बेड लगाए, 40 से फिर वो बढ़ते बढ़ते आज हमारे पास 250 बेड्स हैं, और हम आगे इसको काफ़ी अच्छे नंबर तक लेके जाने वाले हैं। जो मेरा विजन है वो मेरा 1000 बेड्स तक का है, तो लेट्स सी वो कब तक पूरा होगा। प्रॉब्लम्स क्या क्या आपको फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग में? हर बिजनेस में प्रॉब्लम्स होती हैं। जी जी, प्रॉब्लम्स यही कि इनिशियली हमने डिज़ाइनिंग ठीक नहीं रखी अपने, जब हमने यूनिट लगाई तो हमारे पास, हमें ये नहीं पता कि, पता था कि यूनिट डालने से पहले ना प्रॉपर एक लेआउट तैयार करना चाहिए, प्रॉपर लैंड को तैयार करना चाहिए, फिर उसके बाद वेदर को कंसिडर करते हुए हमें अपने यूनिट को स्टार्ट करना चाहिए। हमने रैंडमली स्टार्ट किया था, बट धीरे 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 वो सारे चैलेंजेस हमने फेस किए। टर्नओवर कितना है मैम आपका? सर, हम इस समय 30 टन के करीब मंथली निकाल लेते हैं, तो आराम से हम 2.5-3 लाख रुपये तक कमा लेते हैं। बहुत अच्छा। हाँ जी, और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि टर्नओवर के साथ साथ हमें मोटिवेशन बहुत मिलता है। सपोर्ट इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ वर्मी कंपोस्ट बहुत बढ़िया है, तो अब एडवांस में ऑर्डर्स आते हैं,
लोग हमसे कहते हैं कि भाई हमारा एक लॉट फिक्स कर दीजिए, तो यही शायद एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है आगे बढ़ने की। क्वालिटी ने आपने जो क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है जी। मैम ये कैसा काम है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस जो है? देखिए मैं यही कहूँगी कि इससे अच्छा और कोई काम नहीं हो सकता। पिछले 1.5 साल 1.25 साल में राधा मैंने जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी, मतलब एक अटैचमेंट हो जाती है, एक अपने काम के ऊपर प्राउड फील होता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं जो सच में आगे आने वाली जनरेशन टू जनरेशन हम उनको एक फर्टाइल लैंड की तरफ लेके जा रहे हैं। मार्केटिंग आपने कैसे बनाई, कहाँ अपना माल सेल कर रहे हैं जो आप 20 बेड से साल भर में जी 250 बेड तक पहुँच गए हैं? मैं कहूँगी इसके लिए पहले आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है जब आप अपने फर्स्ट बेड्स लगाएं, क्योंकि आपके पास उस समय थोड़ा टाइम होता है प्लानिंग करने के लिए, लगभग 40-50 दिन होते हैं। तो आप वो उस समय अपनी प्लानिंग शुरू करें कि सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है। तो मुझे सबसे पहले लगा कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जो ऑलरेडी जैविक खेती कर रहे हैं उन तक मुझे पहुँचना है। तो सबसे पहले मैंने उनको अप्रोच किया जो सबसे पहले मेरे बायर्स कौन हो सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मर्स हो सकते हैं। उन वहाँ से फिर क्या हुआ कि जब आपकी क्वालिटी अच्छी होती है ना सर, तो वो वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस चलता है। तो मेरा जो अभी यूनिट इस लेवल तक पहुँची है वो वर्ड ऑफ माउथ से ही पहुँची है। लोग आगे खुद बताते हैं कि भाई उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है तो वहाँ से वो खरीदें। तो ऐसे करके हमने ऑर्गेनिक फार्मर से स्टार्ट किया एंड फिर धीरे 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 हमने फिर नर्सरीज के साथ टाइप्स किए, हमने रिटेल बीज भंडार पे गए, फिर उसके बाद ऐसी एसोसिएशंस के साथ जुड़े, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े जो एनवायरनमेंट के काम में हैं। तो वो फिर कहते हैं कि कारवा शुरू हो जाता है, आगे हम बढ़ना शुरू हो गए फिर। तो मैम आपने ट्रेनिंग ली थी जब आपने काम स्टार्टअप किया है अपना? सर बहुत मिनिमम सपोर्ट के साथ हमने काम शुरू किया था। जिनसे हमने वर्म्स खरीदे थे उन्होंने इनिशियल लेवल पे हमारी थोड़ी हेल्प करी थी, लेकिन उसके बाद की जो एक वर्म की जो बायोलॉजी होती है, टेक्निकलिटीज़ होती हैं, कैसे अपने यूनिट को प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ लेके जाना है, ऐसा हमारे पास बिल्कुल ज्ञान नहीं था। वो स्टेप बाय स्टेप हमने अपने ही मिस्टेक से सीखा। मैं ये कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को, अपने सब दोस्तों को कि जब भी आप कोई यूनिट स्टार्ट करें प्रॉपर ट्रेनिंग लेके ही स्टार्ट करें। आप भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं क्या? जी सर, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ हमारे यूनिट पे ही हमने एक फैसिलिटी क्रिएट की हुई है जहाँ पे आप 2 दिन के लिए आएंगे, यहीं पे हम रहना खाना पीना सब यहीं पे होगा, ट्रेनिंग साथ में दी जाएगी। तो हम 2 लेवल पे ट्रेनिंग देते हैं, एक तो पूरा टेक्निकल पार्ट हम समझाते हैं, दूसरा आगे अपनी यूनिट को प्रॉफिटेबल कैसे बनाना है, अपने एक्सपेंसेस कैसे मीट आउट करने हैं, फिर उसके बाद उसको मार्केट कैसे करना है, वो पूरा पूरी ट्रेनिंग पूरा पैकेज है, पूरा पैकेज है। मैम ये आपने जो मेथड है, मेथड कौन सा आपने जो किया हुआ है यहाँ पे? ये मेथड है सर, विंड्रो मेथड बोलते हैं इसको जी। ऐसे मेथड तो बहुत सारे होते हैं, पेट मेथड होता है और भी मेथड होते हैं, तो हमने ये विंड्रो मेथड यूज़ किया। अगर आप कमर्शियल लेवल पे चाहते हैं, प्रोफेशनली किसी बिजनेस को करना चाहते हैं तो सही तरीके से करें, तो बेस्ट वे आउट है कि आप विंड्रो मेथड से चलें। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन, एरिएशन बहुत अच्छा होता है और जो हवा केचुओं को ऑक्सीजन लेवल जो मेंटेन करना होता है वो प्रॉपरली इसमें मेंटेन हो पाता है। इसमें लागत भी कम आती है और मेथड से हम जाते हैं तो लागत भी अच्छी खासी हो जाती है, तो यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस को भी थोड़ा मीट आउट कर सकते हैं। काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि कितने बेड से हम काम स्टार्ट करें, 20 से करें, 10 से करें, 50 से करें? देखिए अगर आपको अपनी खेती के लिए चाहिए तो आप 5-10 बेड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट आपको अगर इसको एक बिजनेस मॉडल की तरह से स्टार्ट करना है तो एटलीस्ट 20 बेड से तो आप स्टार्ट करें, क्योंकि वो जो 20 बेड्स हैं वो 3 महीने बाद डबल से भी ज़्यादा होने वाले हैं, तो वही आपकी सस्टेनेबिलिटी को लेके जाने वाले हैं आगे और उन्हीं से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। मैम मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ पर मुरिंगा और हल्दी भी आपने यहाँ पर लगाई हुई है, तो इसके पीछे क्या विज़न है? सर जब हमने ये लैंड, क्योंकि हमने ये लीज़ पे लैंड ली थी, तो हमारे पास जब हमने ये लैंड ली थी तो ये लीज़ पे ली हुई लैंड है। यहाँ पे जब हमने बेड डिज़ाइन किए तो साथ में ये भी था कि हम फार्मिंग भी करें, हम थोड़ा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएँ। तो हमने साथ में मोरिंगा लगाया, हल्दी लगाई, एक तरफ नर्सरी स्टार्ट करी, तो
इसको हम मिक्स, हाँ, मल्टी बिजनेसेस मॉड्यूल बनाना चाह रहे थे कि जहाँ पे आपको आपकी वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी है, आपकी अलग अलग क्रॉप्स भी हैं, आपकी नर्सरी भी है, और आप एक सस्टेनेबल मॉडल की तरफ आगे बढ़े। मैम, अगर कोई आपको अपना प्रोडक्ट देना चाहता है, फॉर एग्जांपल जो नए यूथ है उनको मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं, इतना उनको आइडिया नहीं होता है, तो क्या आप उनसे भी जो वर्मी कंपोस्ट है वो खरीदते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि हमारे पास एडवांस बुकिंग रहती है, हमें तो कंपोस्ट चाहिए ही, तो हम सब फार्मर से या जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जिनका मार्केट नहीं है, जिनके पास मार्केट नहीं है, तो उनको यही सजेस्ट करते हैं कि आप हमें दे दीजिए, बट हम क्वालिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए प्रेफर करते हैं कि क्वालिटी हमें बेस्ट क्वालिटी मिले, एंड फिर हम उनसे खरीद भी सकते हैं। मैम, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो है सारे जो आपके लेबर है वो सारी वीमेन है, तो क्या कुछ ऐसा कुछ स्पेशल? बिल्कुल, जब ये यूनिट स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में यही था, मैं क्योंकि गांव में जाके यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, तो गांव की महिलाओं को ही मुझे ये काम सिखाना है, उन्हीं से ही आगे यूनिट को लेके जाना है। तो हमारे पास इस समय इनिशियली 2 महिलाएं थी, लेकिन इस समय हमारे साथ 10-12 महिलाएं हमारे साथ काम करती हैं, वो इतनी एजुकेट हो चुकी हैं कि वो अपनी यूनिट भी लगा सकती हैं। तो वेमेन एम्पावरमेंट की तरफ मेरा हमेशा से फोकस रहता है कि महिलाएं काम सीखें और अपनी आजीविका की ओर अग्रसर हों। तो आप क्या मैम सलाह देना चाहते हैं हमारे जो युवा हैं या फार्मर्स हैं? मेरी सभी किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि एटलीस्ट वो अपने लिए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाएं, अपने लिए तो वर्मी कंपोस्ट यूज़ करें, बिकॉज जो वो जहर पब्लिक को दे रहे हैं या उनके थ्रू लोगों के घरों तक जा रहा है, उसको अगर वो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन अपने घर में तो अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए, तो वो एटलीस्ट चाहे वो 1 बीघा पे करें, 10 बीघे अगर आपके पास हैं तो 1 बीघा अपने लिए रखें और उसमें जैविक खेती करें। जैविक खेती के लिए उनको जैविक खाद चाहिए, जो कि वो अपने आप खुद भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कहीं वो बाहर से खरीदें, वो हमसे ट्रेनिंग ले लें, ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपनी यूनिट भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी खेती के लिए भी वो खाद बना सकते हैं। बहुत अच्छे विचार हैं मैम आपके, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप तरक्की करें, जिस तरह से कर रहे हैं ऐसे करते ही आएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।